विश्वविद्यालय की पुस्तिका और योग की पुस्तिका के विमोचन के उपरांत हम दीक्षांत की कार्यवाही को प्रारंभ करने हेतु मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय कुल सचिव महोदय को कि वे कृपया दीक्षांत की आगामी कार्य हेतु आए। आदरणीय कुल सचिव जी डॉक्टर आई के मंसूरी जी। मैं माननीय कुलाधिपति जी से अनुरोध करता हूं कि वे स्वर्ण पदक के लिए योग्य पाए गए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपने समक्ष मंच पर स्वर्ण पदक प्रदान करने की कृपा करें। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के वर्ष 2023 के कला एवं समाज विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए सरदार अजीत सिंह मेमोरियल कन्या महाविद्यालय भोपाल की बीए की छात्रा तनु गुलाटी को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। तनु गुलाटी मंच पर आए एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करें। बाणी संकाय में शालिनी मोना मीना को मिला है स्वर्ण पदक, लेकिन वो अनुपस्थित है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में वर्ष 2023 में विज्ञान एवं जीव विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए एलबीएस कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज हरदा की बीएससी की छात्रा नेहा बिजधावने को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। नेहा बिजधावने मंच पर आए एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करें। शिक्षा संकाय में स्नातक स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए वीर बीएड कॉलेज विदिशा की बीएड की छात्रा पूनम बघेले को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। पूनम बघेल मंच पर आए एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करें। ग्रह विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए शासकीय कन्या महाविद्यालय विदिशा की छात्रा पलक दुबे बीएससी होम साइंस को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। पलक दुबे मंच पर आए एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करें। प्रबंध संकाय में स्नातक स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च आईपर कॉलेज की भोपाल की छात्रा बीबीए मनीष असवानी को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। मनीष असवानी मंच पर आए एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करें। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के वर्ष 2023 में विधि संकाय में स्नातक स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए राजीव गांधी लॉ कॉलेज भोपाल की बीएलएलबी की छात्रा शिवानी नागवंशी को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। अभियांत्रिकी संकाय में स्नातक स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की बीयूआईटी भोपाल की बीई के छात्र परम कुमार चौहान को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। तकनीकी संकाय में स्नातक स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग फार्मेसी की बी फार्मा की छात्रा प्रभा यादव को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। शारीरिक शिक्षा विभाग में हरिराम जी को मिला है, लेकिन वो अनुपस्थित हैं। कला संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अरेबिक विभाग की एमए अरेबिक की छात्रा हसाना कौशर को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। कौशर मंच पर आए स्वर्ण पदक प्राप्त करें। वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के वाणिज्य विभाग के एम काम के छात्र निशिबाथम को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। इसी बात हम मंच पर आए स्वर्ण पदक प्राप्त करें। शिक्षा संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए वर्धमान कॉलेज इटारसी की एमएड की छात्रा फाल्गुनी मिश्रा को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। फाल्गुनी मिश्रा मंच पर आए स्वर्ण पदक प्राप्त करें। ग्रह विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय बैरागढ़ भोपाल की एमएससी होम साइंस की छात्रा नेहा सिंह को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। नेहा सिंह मंच पर आए स्वर्ण पदक प्राप्त करें। विधि संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के विधि विभाग की एलएलएम की छात्रा दिव्यांका त्रिपाठी को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है।
जीव विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में एक्वा कल्चर एवं जूलॉजी विभाग की एमएससी की छात्रा को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग की छात्रा सनोवर कलाम को स्वर्ण पदक दिया जाता है संयुक्त रूप से। प्रबंध संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग क्रिम भोपाल के एमबीए की छात्रा रितु विश्वकर्मा को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग कंप्यूटर साइंस विभाग के एमएससी आईटी के छात्र यश पाठक को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। समाज विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में मनोविज्ञान विभाग की एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी की छात्रा अनन्या त्रिवारी को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। अभियांत्रिकी संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग बीयूआईटी भोपाल की एमसीए की छात्रा शिवानी चौकसे को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। तकनीकी संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के फार्मेसी विभाग की एम फार्मा की छात्रा महिमा पांडे को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। शारीरिक शिक्षा विभाग स्नातकोत्तर स्तर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल के एमपीएड के छात्र अनिल शर्मा को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। अब ये प्रायोजित स्वर्ण पदक हैं। स्वर्गीय श्री शिवनारायण सूर्यवंशी स्मृति प्रायोजित स्वर्ण पदक कृपया शिवनारायण सूर्यवंशी जी के परिवार के कोई सदस्य हो तो यहाँ पर उपस्थित हो। परम कुमार चौहान को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। पवन कुमार स्वर्गीय कृष्ण किशोर शुक्ला प्रायोजित स्वर्ण पदक स्वर्गीय श्री कृष्ण किशोर शुक्ला की स्मृति में उनकी पत्नी डॉक्टर मोना पुरोहित द्वारा विधि शिक्षण संस्थान में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा विधि शिक्षण विभाग के स्नातक 2023 में सर्वोच्च अंक प्रदान करने के लिए स्वर्ण पदक सृष्टि शर्मा को प्रदान किया जाता है। सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्मृति प्रायोजित स्वर्ण पदक बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अभियांत्रिकी संस्थान की छात्रा अनुकृति जोगेकर को बीई इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन स्नातक परीक्षा में अभियांत्रिकी संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया था। अनुकृति जोगेकर सीताराम जिंदल फाउंडेशन द्वारा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग क्रीम की छात्रा रितु विश्वकर्मा एमबीए स्नातकोत्तर की परीक्षा में प्रबंध संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। रितु विश्वकर्मा मंच पर आए। सीताराम जिंदल फाउंडेशन द्वारा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की फार्मेसी विभाग छात्रा प्रभा यादव को बी फार्मा स्नातक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए अपनी अभी तक की जीवन यात्रा का एक नया पड़ाव की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर करता है। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना बधाई। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की अपनी 5 दशक की यात्रा में इसका अपना गौरवशाली पक्ष है। आप अलग अलग संकाय के अलग अलग प्रकार के विषयों में निष्णात हुए हैं। आप सबके लिए मंगलमय हो, जीवन शुभदायी हो। और आज बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के माध्यम से जो मुझे बताया गया है कि मुझे एक घोषणा करना है, भविष्य में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय सभी पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क उपाधि प्रदान करेगा। मेरी अपनी ओर से धन्यवाद।
कार्यक्रम के अध्यक्ष महामहिम कुलाधिपति जी से मैं सादर अनुरोध करता हूं कि वे हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सभी को नमस्कार। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार जी, कुलपति एस के जैन जी, कुल सचिव डॉक्टर आई के मंसूरी जी, उपस्थित संकाय अध्यक्ष गण, कार्य परिषद के सदस्य गण, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री, भोज यूनिवर्सिटी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के वाइस चांसलर श्री, उपस्थित अभिभावक गण, महानुभाव भाई और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, माननीय कुलगुरु जी, कुल सचिव जी, सभी इसी के मेंबर, सभी संकाय अध्यक्ष, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, विद्यालय के बाद विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हमको अपने आप में इस संसार के साथ एक अपनी अभी तक की जीवन यात्रा का एक नया पड़ाव की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर करता है। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की अपनी 5 दशक की यात्रा में इसका अपना गौरवशाली पक्ष है। आप अलग अलग संकाय के अलग अलग प्रकार के विषयों में निष्णात हुए हैं। आप सबके लिए मंगलमय हो, जीवन शुभदायी हो। और आज बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के माध्यम से जो मुझे बताया गया है कि मुझे एक घोषणा करना है, भविष्य में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय सभी पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क उपाधि प्रदान करेगा। मेरी अपनी ओर से धन्यवाद। कार्यक्रम के अध्यक्ष महामहिम कुलाधिपति जी से मैं सादर अनुरोध करता हूं कि वे हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सभी को नमस्कार।